There has been no end to human rights violations by Pakistani security agencies in Gilgit Baltistan. The perpetrators often go unpunished due to lack of an effective judicial system. The region has a separate court system. Under Gilgit Baltistan Empowerment and Self-Governance Order 2009, Gilgit Baltistan Supreme Appellate Court was established with a Chief Justice and two other judges, but they are appointed by the Prime Minister of Pakistan. As the appointments of the judges for these courts are allegedly done on political consideration, their decisions are often politically motivated. दुनिया में जहाँ भी ह्यूमन राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वायलेशन होती है तो कहीं ना कहीं कोई कोर्ट सिस्टम होता है जुडिशियल सिस्टम होता है तो गिलगित बल्तिस्तान में कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं है यानी वहाँ कोई हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है लोअर टाइप के जो कोर्ट्स है आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के हद तक यानी ऊपर इन्होंने चीफ कोर्ट नाम दिया हुआ कोई हाई कोर्ट वो नहीं है आगे सुप्रीम अपीलेंट कोर्ट बड़ा नाम दिया हुआ कोई सुप्रीम कोर्ट टाइप का नहीं है उनकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो नहीं है यानी पाकिस्तान से किसी भी रिटायर्ड जज को वहाँ ला के उस जुडिशियल का आप हेड बनाते कोई भी रिटायर्ड जज जो उन सियासी लोगों का जो या मुट्ठी गर्म करे या उनका जो हमदर्द हो या उनकी बात जो वो करे रिटायर्ड भी किसी को पकड़ के वहाँ जाकर बड़ा करते हैं और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते आप ये बताओ ना कि सियासी लोगों को 7 दिन का पुलिस कस्टडी नाम पुलिस कस्टडी वो तो ऐसा ही कस्टडी में दे दिया तो ऐसा रिमांड जो जज हो और वो ही नहीं कहता कि ये तो पॉलिटिकल लोग हैं इन्होंने कुछ नहीं किया ये तो रिजोल्यूशन पेश करना चाह रहे थे तो उनको उस वक्त वो तो जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज सकता है ना बजाय पुलिस कस्टडी में देने के उनसे क्या इन्वेस्टिगेशन आपने करना क्या वो किसी को मारा है कत्ल किया है कोई और किया है नहीं तो वहाँ सिस्टम ही नहीं है ना Security agencies often resort to harsh measures to prevent journalists from reporting cases of gross violations of human rights. कोई वहाँ freedom of speech नहीं है आप कुछ अपनी मर्जी से आप आज़ाद नहीं लिख सकते वहाँ जो जर्नलिस्ट है आप कुछ वो करेंगे तो एक बड़ा इनके पास हथियार है जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट के लिए जो वो होता है तो गवर्नमेंट कि जो बात माने जो उनकी आईएसआई के खासकर जो उस पर इशारे पे चले उसको फंड मन सारा देते हैं एडवर्टाइजमेंट उसी को देते हैं जो ना दे दें उसके उसको पहले तो फंड नहीं देते हैं एडवर्टाइज नहीं देते हैं उसके बाद उसको काले करके उसको डराते हैं फिर थ्रेट करते हैं नहीं हुआ तो फिर मारते हैं फिर सब कुछ करते हैं इनके साथ उनके अखबार बंद करते हैं द पुलिस एक्ट एज अ म्यूट स्पेक्टेटर टू द किलिंग्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस The non-state actors, backed by the inter-services intelligence, often target and persecute the Shia community. But the police choose to remain silent. Road पे जो मारा जाता है, ये वो लोगों की अपनी सोच नहीं है पाकिस्तान की. ये पाकिस्तानी इनकी एजेंसीज का इनका हाथ है, इसीलिए किसी को पकड़ती नहीं आज तक, किसी को नहीं अरेस्ट किया है. और चाइनीज को मारा है रोड पे, तो उनके लोगों को तो इन्होंने पकड़ा है चाइनीज जब टूरिस्ट को. लेकिन गिलबस्तान से किसी को भी जब कत्ल किया जाता है तो किसी को ये नहीं पकड़ते उनको छूट दे देते हैं गिलगित बल्तिस्तान एक्वायर्ड इलीगली बाय पाकिस्तान इन 1947 रिमेन्स वॉइड ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन व्हाइल पीपल आर सब्जेक्टेड टू हार्श लॉज नेशनलिस्ट्स हु ट्राई टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ऑपरेशन आर ऑफन चार्ज्ड विद सेडिशन